हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सीखेंगे 2 मीटर कपड़े में पटियाला सलवार की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ना नहीं है, जिससे अच्छे से हर एक स्टेप समझ में आए। तो फ्रेंड्स, कपड़े को हमने लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करके अच्छे से बिछा लिया है, सीधी साइड अंदर की ओर रखा, उल्टी साइड पर मार्किंग करेंगे, ऊपर की ओर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ऊपर की साइड हमारा तिरछा कपड़ा है, तो हम उसको स्केल से सीधा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखना, नीचे की साइड हमारी बंद साइड है, ऊपर की ओर खुली साइड है, तो वहाँ से हम सीधा कपड़ा कर लेंगे, स्केल से सीधा लाइन बना लेंगे, कट करेंगे, तिरछा कपड़ा निकाल देंगे कट करके। तो यहाँ देखिए, ऊपर की साइड हमारा सीधा फैब्रिक हो गया है, कपड़ा सीधा हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम एक साइड से फैब्रिक को पकड़ेंगे और फोल्ड कर लेंगे, तो उतना ही कपड़े को मोड़ेंगे जितना हम पोंछा रखेंगे। नीचे का जो मोरी बनती है, तो उसी के हिसाब से हम नीचे पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, हम नाप कर दिखाएंगे। हमने 6 इंच 6.5 इंच फोल्ड किया है मोरी के लिए। तो फ्रेंड्स, जितना आप रखें 5 इंच 6 इंच उतना ही फोल्ड करें। तो फ्रेंड्स, अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 6 इंच हम बेल्ट रखेंगे, तो ऊपर की ओर हमने 6 इंच छोड़ दिया है, टेप को आगे की तरफ निकाला हुआ है, और लेंथ हमारी, लंबाई हमारी 38 इंच है। तो 1/2 इंच जब हम पट्टा जोड़ेंगे, यानी कि बेल्ट लगाएंगे, तो 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा ऊपर की ओर। तो फ्रेंड्स, हम लंबाई का निशान 38.5 इंच पर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ अच्छे से समझना है, हमने 6 इंच ऊपर की ओर छोड़ दिया है, उसके बाद में 38.5 पर निशान लगाया है। 2.5 इंच मोरी के लिए निशान लगाएंगे, तो नीचे की साइड हम मोरी बनाएंगे 2.5 इंच पर। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने 2.5 इंच अलग से लिया। हम दूसरी साइड से भी, जो खुली साइड है दूसरी ओर, उस साइड भी मार्क लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब सीधा लाइन खींच देंगे, इससे हमारी मार्किंग बिल्कुल सही होगी, दोनों साइड से कम ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे निशान लगेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, हमने दोनों तरफ से लंबाई का मेजरमेंट ले लिया है, निशान लगा लिया है। जो नीचे की साइड फैब्रिक बचा है, उसका हम बेल्ट बनाएंगे, जो मार्क लगा हुआ है उस पर कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो इतना बचा है, इसका हम बेल्ट निकालेंगे, किनारी को हम कट कर देंगे क्योंकि इसमें झोल है। तो फ्रेंड्स, अब हम कली की कटिंग करेंगे। मोरी की साइड से टेप को रखेंगे और दूसरे कोने तक मिलाएंगे, सीधा लाइन खींच देंगे तिरछे में। तो जिस तरह से हमने लाइन बनाया, उसी लाइन पर कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, कली की कटिंग को कर लिया है, और जो हमारा पल्ला है, इसमें एक साइड कली हमारी जुड़ी हुई है, तो इसको हम कट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम दूसरी कली जो हमारी है, तो यहाँ ऊपर की साइड देखना चौड़ाई है, तो कली को हम उठाएंगे, जो कली में हमारी चौड़ाई है उसको चौड़ाई में मिलाकर रख देंगे पल्ले के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए, जो नोक बने हुए हैं, उसको नोक की साइड मिलाएंगे, तिरछे में तिरछा मिलाएंगे, और सीधे में सीधा मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने कली को बिल्कुल मिला लिया है, अच्छे से मिलाकर रख लेंगे।
फ्रेंड्स यहाँ देखना ऊपर की साइड बिल्कुल हमने मिला लिया है। तो यहाँ ऊपर की साइड हमारा बेल्ट लगेगा और जो हमारा नोक सा निकला है वहाँ पर हम आसन की कट करेंगे। तो फ्रेंड्स ऊपर की साइड हमने टेप को रखा, 6 इंच पट्टा के लिए छोड़ दिया है। बेल्ट लगाएंगे 15.5 इंच पर पूरी लेंथ हमने ले ली और निशान लगा दिया है। तो फ्रेंड्स 6 इंच हमने पट्टा का मिला लिया है, उसके बाद में 15.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो फ्रेंड्स इसी लाइन पर हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी आसन की तरफ भी कटिंग हो गई है और यहाँ हमारे दोनों पल्ले की कटिंग हो गई है, दोनों पार्ट्स की कटिंग को हमने कर लिया है। अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे सलवार की तो फ्रेंड्स बिगनर्स हो या नए लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सरल तरीके से कटिंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स हम बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमें नीचे की साइड कपड़ा मिला है, फैब्रिक मिला है, इसी में हम बेल्ट कट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा बेल्ट 19 इंच का है, तो हमारा दोनों साइड से बेल्ट निकल आएगा, लंबाई में चौड़ाई में जिस साइड से निकालना चाहें उस साइड निकल आएगा, क्योंकि हमारी मीडियम साइज की सलवार है। तो अच्छे से हम कपड़े को बिछा लेंगे 2 फोल्ड में और सीधा लाइन बना देंगे स्केल से। जो हमारा ऊपर की साइड तिरछा कपड़ा होता है वो निकल जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए जो मार्क लगाया उसी मार्क पर हमने कटिंग कर दिया है, हमारा बिल्कुल सीधा फैब्रिक हो गया है। ऊपर की साइड 1/2 इंच पर मार्क लगा लेंगे। अब हम दूसरा मार्क लगाएंगे। तो हमने यहाँ स्केल की चौड़ाई पर मार्क लगा दिया है, जितना हमारा स्केल की चौड़ाई है उतना ही हमने मार्क लगा दिया, निशान लगा दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ समझना है जो ऊपर की साइड 1/2 इंच पर हमने निशान लगाया तो उसको फोल्ड करके और 2 इंच हम यहाँ फोल्ड कर देंगे। गोट के लिए यहाँ हमारा जो नाड़ा पड़ता है वो पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हम बेल्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट की लंबाई हमारी 6 इंच है, हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सिलाई के लिए भी इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, सीधा लाइन बना लेंगे स्केल से। इसी लाइन पर हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ अब हम पूरा सेट करके दिखाएंगे। तो पूरा हम अच्छे से बिछा लेंगे कली को, यानी कि जो हमने पार्ट्स की कटिंग को किया है उसको अच्छे से मिलाकर। और यहाँ देखिए हम पट्टा को दिखाएंगे, जो बेल्ट है चाहे पट्टा बोलो या बेल्ट, जो फ्रेंड्स बोलते हो वो समझें आप। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमारा पट्टा ऊपर की साइड लगेगा, जो हमारा बचा है उसकी हमारी प्लेट बनेगी। तो फ्रेंड्स आसन की साइड हमारा जो है वहाँ पर हमारी रुमाली लगेगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो कपड़ा बचा है इसमें हम रुमाली कट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जितना हमारा आसन है उसी के हिसाब से रुमाली कट करेंगे। तो हमारा आसन 8.5 इंच का है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमने कपड़े को डबल कर लिया है, फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। हम दोनों म्याने की यानी कि रुमाली की एक बार में कटिंग करेंगे। तो लेंथ का निशान लगा लेंगे 8.5 इंच पर, चौड़ाई लेंगे 3 इंच, टेप को तिरछा रख देंगे और सीधा लाइन खींच देंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमने म्याने को कट कर लिया है। तो इस तरह से हम म्याने को सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स 1/2 इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो रुमाली की चौड़ाई हमारी 5 इंच रहेगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हमने बेल्ट और रुमाली, तो यहाँ देखिए सारे हमारे पार्ट्स की कटिंग हो गई है 2 मीटर फैब्रिक में। तो
तो बहुत ही सरल तरीके से यहाँ हमने बताया है, समझाया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।